कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और डेली यूज सेंटेंसेस को बड़ी शिद्दत से आप अपनी नोटबुक, डायरी, रजिस्टर में लिख रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं अभी बता दूं, यू मस्ट बी नोइंग कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे संसार की भाषा है, इसको आप सीख लीजिए, सीखेंगे तो काम आएगा। और यकीन मानिए, यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो आपकी गिनती औरों से अधिक होगी और आपको अहमियत औरों की तुलना में अधिक दी जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो अपने आप में क्या महत्व रखती है। टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 25। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद 24 पार्ट्स। 24 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और जो 24 के 24 पार्ट जिन बच्चों ने किया है, तो ऑन एन एवरेज एक अगर वीडियो में मैं मानूं तो 10 सेंटेंसेस होते हैं, तो 240 सेंटेंस हो गए। लेकिन 10 तो नहीं होते हैं, कम से कम 15 एक होते हैं। तो आप देख लीजिए कितने सेंटेंसेस, 300 सेंटेंसेस के तकरीबन आप लोग डेली यूज सेंटेंसेस सीख चुके होंगे और उसको बोल भी रहोगे। और बहुत सारे बच्चे तो क्लास में उसको इस्तेमाल भी करते हैं, मैंने देखा है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, मौसम के अकॉर्डिंग भी आपको सेंटेंसेस बता ही देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल छुट्टियां चल रही है, गर्मी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंसेस पिछले की वीडियोज में बनाए हुई है। यदि आपको नहीं मालूम तो यू कैन वॉच इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, यू विल गेट ऑल द वीडियोज रिलेटेड व्हाट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 25। ये सेंटेंसेस मिक्स सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो वो सेंटेंस, यदि आपने आपका चेक करने के लिए नॉलेज की, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं देखा है तो जाके देखिए। लात के देवता बात से नहीं मानते। कई बार कई लोग, बताओ तो जाने, सेक्शन है ये अपना, कई बार कई लोगों को प्यार से समझाने में मतलब प्रेम की बात नहीं मानते। देखो भाई, प्रेम की बात मान लोगे तो सुखी रहोगे, अगर नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। तो वही वाली बात है, लात के भूत बातों से नहीं मानते। तो जरा बता के बताइए, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, यदि आपने पढ़ा है तो यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इसका इंग्लिश ये बनेगी ट्रांसलेशन। अब तीन कदम, तीन कदम का मतलब क्या है? थ्री सेंटेंसेस लास्ट वाले मैं छोड़ देता हूँ, सो डेट कि बच्चे उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि जो नहीं लिख पाते या जिनको नहीं पता होता है, तो इस वाले सेक्शन में मैं उन सेंटेंसेस को बताता हूँ कि भाई ये है इसका मतलब। द फर्स्ट सेंटेंस वॉज, मतलब लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो के लास्ट जो तीन सेंटेंसेस है जो आपको नहीं आ रहे थे या मैंने छोड़ दिया था, आपने कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिखा, उसका इंग्लिश देख लीजिए क्या है। जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, द वियरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस, द वियरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। तो ये है इसका मतलब कि जो तन लागे सो तन जाने, मन जाने, जिसके शरीर पर बीतती है, जिसके सिर पे बीतती है, जो जिसके साथ होता है वही जानता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? द वियरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट, हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। जैसे आजकल पुष्पा राज आया हुआ है ना, तो क्या बोलता है? झुकेगा नहीं सा। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। वी विल ब्रेक बट नॉट बेंट, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंट। उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया, ही क्रश्ड माई होप्स, ही क्रश्ड माई होप्स, और यू कैन से ही डैश्ड माई होप। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आई बैग योर पार्डन। तुम उससे पार नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नैरो एस्केप, ही हैड अ नैरो एस्केप। नैरो मतलब बिल्कुल संकरा, बिल्कुल बस बच गया भाई, नहीं तो हो जाता काम तमाम। ही हैड अ नैरो एस्केप। आप किस चीज में सफल हुए हैं? व्हाट डिड यू सक्सीड इन, व्हाट डिड यू सक्सीड इन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है या बनता है, ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। आप किस चीज में सफल हुए, व्हाट डिड यू सक्सीड इन, ये रिपीट हो रहा है। इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई चीज है और हमें नहीं मालूम कि उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि दफा हो जाओ, भाग जाओ, तो इसको क्या कहोगे? तो हम बोलेंगे भाई इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश।
और वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मतलब होता है, दफा हो जाओ को क्या बोलते हैं, भाग जाओ को क्या बोलते हैं। देखो आप बोलोगे गेट लॉस्ट, ये तो सभी को मालूम है भाई, लेकिन मैंने पिछले की वीडियोज में मैंने बताया है, और देखता हूँ मेरा प्रिय स्टूडेंट कौन है जो जो मैंने बताया वही लिख के बताएगा। आई एम गिविंग यू अ हिंट, बी से स्टार्ट है, डैश ऑफ, इस वर्ड को लिख के बताइए और ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा कि भाग जाओ, डैश ऑफ। नेक्स्ट, फिर से 3 कदम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपका जवाब नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा क्या है इसका मतलब। यू हैव नो डैश, आगे बस में हिंट दे भी दिया मैंने, देखो मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज डैश। लास्ट वाला जो है वही तो मेन है वर्ड, लास्ट वाला वर्ड आप भर लो, माई हेड इज डैश, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया, तो 5 मिनट का है भाई, 5 मिनट की वीडियो में यदि आप 10 सेंटेंस सीख जा रहे हैं तो मेरा कुछ नहीं जाता और आपका भी कुछ नहीं जाता, आप सीख जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप शिद्दत से सीख रहे होंगे। देखिए फायदा तभी होगा व्हेन यू राइट इन योर नोटबुक डायरी और यू मेंटेन अ रिकॉर्ड, जब तक आप रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। और प्यारे दोस्तों यदि आप एक पिता हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको पसंद आया, तो प्लीज आस्क योर चाइल्ड, आस्क योर सन और डॉटर टू वॉच दिस वीडियो, और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए सो डेट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, बाय।